मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ऑफलाइन ओसीडी का इलाज होता है। ऑफलाइन इलाज लेने के बाद मन में एक सवाल जरूर आता है, घर वालों के मन में भी आता है, ओसीडी एक्सपीरियंसर के मन में भी आता है कि मैं सर के सामने तो सब कुछ कर लेती हूं, या घर वाले पूछते हैं सर ये यहां तो सब कुछ ठीक कर रही है, कर रहा है, घर में जाकर के ना करने लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा कि घर पे कैसे करना होता है, क्या यहां जो सब कुछ कर लिया वो घर पे अप्लाई नहीं होगा, या होगा कैसे होगा, वो जानते हैं सरस्वती जी से, क्योंकि सरस्वती जी ने 7 साल की ओसीडी 7 सेकंड में ही भगा दी है। वो 7 सेकंड में कैसे भगाई उसको हम अलग से वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी ये जानेंगे कि ये घर पे कैसे रहेगी, इनके डाउट्स क्या है घर से संबंधित, और घर पे ये कैसा व्यवहार करेंगी ये खुद बताएंगी। तो सरस्वती जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर आप 100% ठीक हो चुकी हैं। जी सर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड आपसे पूछे थे कि सर यहाँ तो कर रही है, आप बता रहे तो, पर घर में पता नहीं कर पाएगी कि नहीं, बोले ही थे जी। तो इसमें आपका क्या जवाब है? सर मेरा तो यही है कि जब आज कर रही हूँ तो करना ही है, लाइफ टाइम यही करना है, क्योंकि जो गलत था वो गलत था, गलत तो कभी सही हो नहीं सकता है। वो जब गलत था तो फिर उसको हम क्यों रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे तो फिर हम क्यों आए हैं इतना दूर, इतना लंबा सफर करके 24 घंटा 48 घंटा ट्रेन से आना, फिर उसके बाद सर मतलब बहुत परेशानी भी हुई रास्ते में आने में होती है, और सबसे ज्यादा तो परेशानी तब हुई जब 7 साल से हम ओसीडी से पीड़ित है, यहाँ आने से ज्यादा तो 7 साल मेरा खराब हुआ, या क्या 2 ही दिन ना मतलब समय लगा, और जो 7 साल का मेरा समय गया बहुत लाइफ डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से सर आप जैसे बताया है कपड़ा धोने के लिए, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, बस वैसे ही हमको नहाना है धोना है, और जैसे जो जो बताया है वैसे सारी रूल को फॉलो करनी है बस। घर पे आराम से कर लोगी? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल यही जज्बा चाहिए। वो तो मेरे हस्बैंड बोले ही है कि मैं फीडबैक दूंगा, देखूंगा घर पे जाके, वो बताएंगे ही। आपके हस्बैंड का वीडियो भी मैं बनाऊंगा। हाँ, क्योंकि फीडबैक तो उनका पॉजिटिव ही आएगा। हाँ। क्योंकि आप के अंदर जो आत्मविश्वास है, आपके जो शब्द हैं, अगर ये दिल से निकल रहे हैं। बिल्कुल सर, मेरी जितनी भी बातें हैं सब मेरी, जितनी भी मैं जो भी मेरी बात है सब मेरे दिल से है, और मैंने जो होता है ना जो परेशानी हम झेले हैं, तो जब मेरा लाइफ इतना डिस्टर्ब रहा तो फिर अपनी लाइफ को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्यों करेंगे। और जो निगेटिव है वो निगेटिव है, निगेटिव कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग ही बेस्ट थिंकिंग, तो जब पॉजिटिव थिंकिंग मुझे इतना सारा मिल गया तो फिर निगेटिव क्यों लाना है, क्यों लाए हम लाके, फिर और फिर लाएंगे ही तो फिर बेकार हो जाएगा ना, फिर तो वही हो जाएंगे हम, तो अब मुझे पॉजिटिव में ही जीना है, पॉजिटिव में जीना ही चाहिए, निगेटिव को तो कभी लेना ही नहीं चाहिए, और मुझे पता नहीं था इसलिए ही मैं निगेटिव में जी हूँ, मुझे पता हो गया तो फिर वैसा मैं रिपीट तो करने वाली कभी हूँ नहीं। वाह, कभी करूंगी नहीं। यही रहस्य आपने समझा दिया। भगवत गीता में भी पहले ही अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि संशय ही कृष्ण से जो सलाह होती है अर्जुन की, उसी दौरान एक संदर्भ आता है, उसी संदर्भ को मैं गीता के पहले अध्याय से मैं जोड़ रहा था, लेकिन ये संदर्भ थोड़ा सा इससे अलग जा रहा है कि एक बार की एक घटना है, उस घटना का जिक्र मैं करता हूं, क्योंकि पहले अध्याय में कृष्ण बोलते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं, तो लेकिन वो जो संदर्भ है वो पहले अध्याय से संबंधित है, और इसी में इस सवाल का जवाब भी है, और आपने जवाब दे भी दिया है, लेकिन बहुत सारे ओसीडी एक्सपीरियंसर को ये जवाब समझ नहीं आया होगा, तो मैं खोल के बताता हूं कि एक बार अज्ञातवास के समय पांडव द्रौपदी के साथ एक जंगल में रहते थे, उन्होंने एक कुटिया बना ली थी, कुटिया बना रखी थी, तो वहां पर एक राक्षस आता था, और वो राक्षस सभी पांडवों की दुनाई करता था, पीट के चला जाता था। एक दिन कृष्ण आए, मिलने आए कृष्ण, और बैठे बात कर रहे हैं द्रौपदी से और पांडवों से, तभी वो राक्षस आकर के ललकारता है कि आ जाओ जिसमें भी दम आ जाओ मेरे साथ लड़ो, तो कोई पांडव हिलता भी नहीं है, सारे दुम दबाकर बैठे रहते हैं। कृष्ण देखते हैं, अरे ये क्या हुआ, ये पांडव तो बहुत वीर हैं, वो पूछते भी तुम लोग राक्षस की ललकार पर उठते क्यों नहीं हो, तो द्रौपदी कहती है अरे ये राक्षस बहुत ताकतवर है, पीट देता है सबको। फिर कृष्ण भीम को कहते हैं अरे तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुमने तो बहुत से राक्षसों को मारा है,
तो द्रौपदी कहती है इसने भीम को भी कई बार धूल चटा दी है, भीम की भी इसने बहुत दुनाई की है। तो कृष्ण तो बहुत हैरान हुए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, राक्षस कैसे भीम को हरा सकता है, भीम के अंदर जो पावर है वो तो किसी राक्षस में हो ही नहीं सकती। कृष्ण को लोचा समझ आ गया कि कहीं ना कोई गड़बड़ है। तो कृष्ण भीम से कहते हैं कि अरे भीम तुम ये बताओ कि जब तुम राक्षस से लड़ने जाते हो तो तुम कहते क्या हो। तब भीम कहता है कि मैं राक्षस के पास जाकर के यही कहता हूं कि आज तुम नहीं या मैं नहीं। बस कृष्ण कहते हैं यही तो तुमने गलती कर दी। हाँ, बिल्कुल गलती, तुमने 50-50 चांस कर दिए कि तू नहीं या मैं नहीं, अर्थात 50% तू नहीं 50% मैं नहीं। कहते आज देख मेरा कमाल कि मैं लड़ूंगा आज राक्षस से। द्रौपदी कहती है अरे कृष्णा कृष्ण ये क्या कर रहे हो, उनको बोलना चाहिए था कि मैं ही रहूंगा, सिर्फ मैं ही रहूंगा। अरे कमाल है आपकी बुद्धि, क्योंकि हमको जितना है तो हम ही रहेंगे, तुमको क्यों रहने देंगे, ऐसे कैसे होगा। यही रहस्य है आपके ठीक होने का, जो रहस्य रेयर लोगों में पाया जाता है, जो आपके अंदर समझ है, अंडरस्टैंडिंग। हम किसी से जा रहे तो तुमको क्यों छोड़ेंगे, हम तुम रहो, हम ऐसे ऐसे बोलेंगे तो डाउट वाली बात हो जाएगी। हाँ, डाउट तो ठीक भी हो सकते, नहीं भी हो सकते। भीम को अपनी प्रतिभा पर, क्षमता पर डाउट आ गया ना। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, पूरा एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं, कॉन्फिडेंस हो तो 100%, हाँ पूरा 100% अगर है, ये नहीं 90% 99% कॉन्फिडेंस है, 1% डाउट है ना, तो डाउट जीत जाएगा। हाँ जीत सकता है, जीत सकता नहीं डाउट ही जीतता है, ओसीडी के अंदर डाउट ही तो होता है। खुद पे करना भी चाहिए भरोसा, अगर खुद पे नहीं भरोसा करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा खुद पे। देखो ये देखो सरस्वती जी ठीक हुए ना, इसके पीछे अब राज आपको समझ आने लग गया ना, ये ठीक हुए तो इनके अंदर मानसिक पावर समझ बहुत ज्यादा है। फुल्ली कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बस मैं, मुझे हराना है वो रहेगा ही नहीं, मुझे ही रहना है, वो रहेगा ही नहीं, बस मुझे रहना है, मुझे ही रहना है, मुझे ही रहना है, बस कमाल है, उसे नहीं रहना है। देखिए क्योंकि वो गलत है तो गलत है, गलत रहे क्या करेगा, सही है तो सही है, सही रहेगा ना, बस पॉजिटिव ही रहना चाहिए, नेगेटिव रहना ही नहीं चाहिए, बस नेगेटिव नहीं रहेगा। कमाल है, बस मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी समझ को। आपको भी सैल्यूट करती हूँ सर बहुत, क्योंकि आपके वजह से ही हो पाई है, अगर आपके जैसे डॉक्टर नहीं होते तो फिर मतलब मुझे ये समझ नहीं होती, बस यही बोलना चाहती हूँ। चलिए सर, देखिए आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है, बिल्कुल सर, उसके लिए मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है सर, क्योंकि झेल चुके हैं ना हम, मुझ पे बीता है ना, तो बस यही कहेंगे ओसीबी वाले पेशेंट की कि आप लोग भी मतलब यही बोलिए कि उसको बस हटाना, क्योंकि वो निगेटिव है तो निगेटिव को क्यों रहने दीजिएगा, निगेटिव को एकदम हटा ही दीजिए, एकदम पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिएगा, हमेशा खुश रहिएगा बस। जी यही कृष्ण ने कहा कि आप देखो मेरा कमाल, कृष्ण गए राक्षस के पास और जाकर के कहते हैं अरे राक्षस सुन, आज तू नहीं और तू ही नहीं, बस बिल्कुल सर, और लड़ाई की और हरा दिया। तो द्रौपदी कहती है उनको कॉन्फिडेंस है, कृष्ण कॉन्फिडेंस है पूरा। द्रौपदी कहती है कृष्ण जब आप लड़ने नहीं गए थे तो मैं डर रही थी कि अरे आप तो दुबले पतले हो, मल्ल युद्ध इतना आता नहीं है, बचपन में जरूर कोई चाणक्य और बाकी मल्लों को हराया था, बाद में तो तुम दुबले पतले हो, तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम आपकी उन रानियों को, उन प्रेमिकाओं को क्या जवाब देंगे। तो फिर द्रौपदी कहती है अरे आपने ये कमाल किया कैसे कृष्ण। तो कृष्ण कहते हैं मन में अगर डाउट है ना तो फिर डाउट ही जीतता है, 100% कि आज तू नहीं तो तू ही नहीं, चांस तू नहीं तो तू नहीं, चांस रहेगा जीतने का भी ना, यही मूल मंत्र है। आपने घर पे जाकर के भी यही कि घर पे भी मैंने 100% कर ही देना है, क्योंकि मेरे मन में कोई शक है, कर ही देना है, बिल्कुल कर देना। जैसे एक मन दूध को एक बूंद दही की फाड़ देती है ना, बिल्कुल हाँ, तो ऐसे ही अगर आपके पास 99% कॉन्फिडेंस है और 1% शक है तो शक सारे कॉन्फिडेंस को धराशायी हाँ, कर देगा, तो 0% शक बिल्कुल फिर जीतोगे। ऐसे शक के उनके मन में ये शक रहता है कि पता नहीं घर पे होगा कि नहीं होगा, तो पक्का नहीं होगा, क्या समझे, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको डाउट है ना। हाँ। आप ये बोलिए कि एकदम होगा, निश्चित है कि होगा, 100% होगा, श्योरली है कि मुझसे ही होगा और मैं ही करके दिखाऊंगी, मैं ही करूंगी, वहाँ पे कोई ये नहीं कि कोई और करेगा, मैं ही करूंगी और मुझे ही करना है और मुझे ही ठीक होना भी है, बस 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 यही राज है, और करना है तो करना है, और 100% करना है, 99% भी नहीं। अगर ये
एटीट्यूड है तो घर पे भी ठीक हो जाओगे। अगर ये कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा तो पक्का नहीं होने वाला। मुझे पूरा अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझसे 100% होगा। आपसे तो होगा ही होगा, इसीलिए तो मैंने ये डिस्कशन जारी किया, क्योंकि आपसे वो सीक्रेट रहस्य निकल के आएगा जो घर पे नॉर्मल बनाता है, और वो रहस्य निकल आया आपने बड़े आसान शब्दों में। मैं तो नौकरी जब लूंगी तो सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो आपको ही कॉल करके बताऊंगी कि सर मुझे नौकरी लग गई। बिल्कुल सर, एक मिठाई का डब्बा मुझे ही भेज देना। सर मिठाई का डब्बा पार्टी दे देंगे, मिठाई का डब्बा तो कम ही है। पार्टी मिठाई से ही बढ़कर होती है क्या? बिल्कुल सर, पार्टी में आपको जो मन करे वो खाइए, मिठाई क्या जो मन करे वो खाइएगा, पूरा मेरी तरफ से फुली परमिशन रहेगा, पार्टी ही दे देंगे। आज तो ज्वाइन कर ले रहते सर, बोले ना मेरे हस्बैंड के तू ज्वाइन कर ले रहती है, तो आश्रम में रहती है, सब में था एक ही सीट था, और वो जो थे मतलब मेरे फैमिली में ही थे, मंत्री हैं, मतलब मेरे अपने परिवार में ही हैं, इनके ससुराल के हैं, तो वो मेरा तो पूरा नाम हम सब लिख दिए, बस मैं ना 9 बजे जाना था मुझे जो मतलब कुछ करना था उसमें साइन वगैरह, बस उसी की वजह से नहीं हो सकता है कि वो नौकरी चली गई, उससे बड़ी नौकरी मिल जाए। मिलेगी ही, अभी मिलेगी ना, ऐसे भी मुझे ना मतलब ऑटो पटना मतलब उतना मतलब जाने का मन नहीं था। मैं मुझे बचपन से नौकरी बैंकिंग का करने का था, बैंक में करने का था, इसलिए मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और सोची कि ग्रेजुएशन करके मतलब बैंकिंग का तैयारी कर लूंगी और फिर बैंक में कोई मतलब कुछ भी कलर का हो चाहे कोई भी, मतलब बैंक में मुझे बहुत अच्छा लगता है नौकरी करना। चलो बहुत बढ़िया, तो सोचूंगी बैंकिंग का ही तैयारी करना ग्रेजुएशन के बाद, और करेंगे भी क्योंकि मेरा अभी उम्र है बहुत, ऐसा नहीं कि उम्र खत्म हो गया है, उम्र है। अरे आपकी उम्र तो खत्म होगी भी नहीं, आप तो अमर हैं। ऐसा नहीं है सर, आपकी सोच अमर रहेगी, शरीर जरूर। हाँ ये तो बात है, बहुत सारे महान व्यक्ति थे जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, हाँ। चाहे गौतम बुद्ध जी हो गए, वो तो चले गए, बाकी उनकी जो भी अच्छी बातें है वो हमेशा सबके लिए काम की है, हर कोई उनसे प्रेरणा लेती है, उनकी बातों को पढ़ती है तो अच्छा जीवन हो जाता है, उनसे ज्ञान बहुत अच्छी अच्छी मिलती है ना, तो आज भी वो लोगों के दिल में जीतना है। आप भी ओसीडी वालों के दिल में हमेशा अमर रहोगी। हम तो यही कहेंगे कि बस ओसीडी कुछ नहीं है, बस आप लोग एक बार सर से जरूर मिले और अपनी जो भी डाउट है वो क्लियर कर लें, बिल्कुल 100% यहाँ से आप ठीक होकर जाइएगा, बस समर्पण कर दीजिए सर के ऊपर, जो बताएंगे वो अच्छे से करिए और घर पे भी जाके कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाइएगा जैसे कि मैं करूंगी घर पे जाके, तो सही बोलेंगे। और ये नहीं कि ओसीडी ही के चलते मतलब जिनको अपनी लाइफ में भी प्रॉब्लम वो भी सर से आके मतलब अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, क्योंकि हर कोई मतलब नहीं है कि मतलब सब मतलब पानी का ही मतलब करता है, प्रॉब्लम है पानी का ही, चाहे बार बार कोई भी कंपल्शन करने की बात, ऐसा नहीं, जिसको अगर जो भी नॉलेज नहीं है अपनी लाइफ को कैसे मतलब अच्छे से जी सकते हैं तो वो सर के पास आके जरूर कांटेक्ट करें, मिले ऑफलाइन आके सर से क्लास अटेंड करें, उनका जीवन बहुत सरल हो जाएगा, बहुत अच्छी मतलब जिंदगी हो जाएगी लाइफ, वो हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो वो खुश रहना सीख लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा पूरा अपनी जिंदगी को जीने का, फुली कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जी सर बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। जी सर, तो यही मूल मंत्र है घर के ऊपर काम करने का, अर्थात यहां से ऑफलाइन सीखने के बाद घर पे आप नॉर्मल रहेंगे या फिर से कंपल्शन में उलझेंगे, ये इसी बात से साबित होगा कि आपके अंदर डाउट कितना है। अगर डाउट है तो गड़बड़ है, जीरो डाउट है तो सफलता, सब अच्छा है, ठीक है। जी, तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि क्या ओसीडी वाले पागल होते हैं, इस सवाल के ऊपर डिस्कशन रहेगा सरस्वती जी के साथ। बिल्कुल सर, तो वो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। मानो तो मौज, वरना समस्या तो हर रोज है। समस्या तो हर रोज है।